क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित चंदन सांडिल प्रतिदिन की तरह एक बार फिर से स्वागत करते हैं एक नए कार्यक्रम को लेकर कुंडली दर्शन में। कुंडली दर्शन एक ऐसा मंच जिसमें आपको ज्योतिष से संबंधित अनेक उपयोगी जानकारी दी जाती है। इसके साथ साथ वास्तु से संबंधित पर्व एवं त्यौहार के बारे में भी अलग अलग समय में अलग अलग कार्यक्रम आप देखते हैं। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण, एकमात्र ये ऐसा चैनल है जिसमें आप हर रात कुंडली दर्शन लाइव के नाम से एक कार्यक्रम देखते हैं, जिसमें कि आपको अपने कुंडली के बारे में पूछने का मौका डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस देकर रात में लाइव में मिलता है और लाइव में ही आपके सवालों का जवाब दिया जाता है। तो आज इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं बृहस्पति का धनु राशि में गोचर होने वाला है 5 नवंबर 2019 को। जी हाँ, 5 नवंबर 2019 को देवगुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति वैदिक ज्योतिष के अनुसार यदि देखें तो उन्हें देवताओं का गुरु माना गया है, इसलिए उन्हें देवगुरु की संज्ञा दी जाती है। नैसर्गिक रूप से सबसे शुभ ग्रह ज्योतिष शास्त्र में ये माने गए हैं। ज्योतिष के अनुसार यदि देखा जाए तो हमारे जीवन में होने वाली कई सारे महत्वपूर्ण घटनाओं के महत्वपूर्ण कारक देवगुरु बृहस्पति हैं, वृद्धि के भी कारक हैं। आपको तरक्की चाहिए, मान सम्मान चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए, इसके लिए बृहस्पति का बलवान होना बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। और हमारे जीवन में खास करके गुरु तुल्य लोगों को, अर्थात कि अपने से बड़े बुजुर्ग जो हैं अपने परिवार में या सम्मानित व्यक्ति, इन सबका कारक भी देवगुरु बृहस्पति है। जन्म कुंडली में यदि गुरु की स्थिति आपके लिए अनुकूल हो तो आपके बहुत सारे कार्य बन जाते हैं, और यदि बृहस्पति खराब हो तो बहुत सारे कामों में विघ्न बाधा एवं मुसीबत आती है। खास करके कुंडली में बृहस्पति की अनुकूल स्थिति किसी भी व्यक्ति को मान सम्मान, यश की प्राप्ति और ज्ञान प्रदान कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती है, तथा यदि आपको धन की प्राप्ति करनी हो तो भी उसमें बृहस्पति का अपना एक अलग स्थान माना गया है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए खास करके संतान का महत्वपूर्ण कारक देवगुरु बृहस्पति है। यदि किसी स्त्री को संतान नहीं हो रहा है और यदि उसने अपने कुंडली में बृहस्पति को स्ट्रांग कर लिया तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति में उन्हें लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ बृहस्पति कुमारी कन्याओं के लिए पति का कारक भी माना गया है। ऐसे बहुत सारी चीज़ हैं जिसमें खास करके धर्म का भी कारक बृहस्पति है। आपके भाग्य को भी सूचक अगर देखा जाए तो बृहस्पति होता है, क्योंकि नौमा घर काल पुरुष के हिसाब से धनु राशि ही होता है, और नौवें घर का स्थिर कारक अगर देखते हैं स्थिर स्वामी काल पुरुष के हिसाब से तो बृहस्पति है। तो इस प्रकार से भाग्य को वृद्धि कराने में भी बृहस्पति का अपना एक अलग रोल है। आपने सुना भी होगा कि यदि बृहस्पति चंद्रमा के साथ मिलकर गोचर कर लें या केंद्र में बृहस्पति से चंद्रमा आ जाए तो ऐसे में गजकेसरी योग बन जाता है, जो किसी भी व्यक्ति को महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचा देता है। तो आज इन्हीं सभी बिंदुओं पर बात करेंगे कि बृहस्पति का धनु राशि में गोचर होने से आपके जीवन में क्या कुछ प्रभाव होने वाला है। बृहस्पति का गोचर 5 नवंबर 2019 मंगलवार को रात्रि में 00:03 अपनी धनु राशि से में गोचर करेंगे, वृश्चिक राशि से निकलकर।
और 29 मार्च 2020 तक बृहस्पति शाम के 7:08 तक इसी राशि में रहने वाले हैं। तो गुरु के इस राशि परिवर्तन से आपके राशि में क्या कुछ होने वाला है, शुभ या अशुभ प्रभाव, आज इस कार्यक्रम में इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति का ये गोचर किस प्रकार से रहने वाला है। कर्क राशि जिसके स्वामी स्वयं चंद्र देवता हैं, और ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा से गुरु यदि केंद्र में हो तो बहुत अच्छे परिणाम गजकेसरी योग बनता है, मैंने आपको बताया। और चंद्रमा और गुरु की आपस में मित्रता भी है, लेकिन कर्क राशि में बृहस्पति, कर्क धनु राशि में बृहस्पति का गोचर कर्क राशि से जो धनु राशि का दूरी है वो आपके जन्म कुंडली के आधार पर यदि देखते हैं तो ये छठा भाव है, जन्म राशि से छठे भाव में बृहस्पति का यह गोचर है। और छठा भाव कुंडली में किस बात के लिए जाना जाता है, आप में से कई सारे दर्शक जानते हैं, अक्सर मैंने अपने लाइव कार्यक्रम में बताया है कि छठा भाव रोग ऋण और शत्रु के लिए जाना जाता है। चूंकि मैंने आपको बताया कि बृहस्पति का यह गोचर छठे भाव में है और छठा भाव खास करके रोग ऋण शत्रु, तो इन तीनों चीजों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। खास करके रोग, सबसे पहले क्या मैंने बताया, रोग, तो स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है, इस बात का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। खास करके आपको इसमें अपने आप को शांत बनाए रखने के लिए प्राणायाम का सहारा, योग का सहारा यदि आप लेते हैं तो यह आपके लिए विशेष करके लाभदायक रहेगा, नहीं तो आपको मानसिक स्वास्थ्य पर कंट्रोल करना चाहिए। और नौकरी पेशा लोगों की यदि बात करें तो इस अवधि में आपके साथ काम करने वाले कुछ लोग आपके खिलाफ कोई साजिश भी कर सकते हैं, इसलिए कार्य क्षेत्र में आपको बहुत ही सतर्कता पूर्वक रहने की आवश्यकता है। पार्टनरशिप में यदि आप कार्य करते हैं तो धन से संबंधित मामलों पर आप खास करके नजर बनाए रखें, नहीं तो आपके साथ कोई विश्वासघात भी हो सकता है। हालांकि पारिवारिक मोर्चे पर आप कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, पारिवारिक मोर्चे के ख्याल से आपको कुछ बेहतर परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ परिवार के लोग भी जितना आप उम्मीद कर रहे हैं सहयोग की, हो सकता है उतना सहयोग आपको ना दें, परिवार के भी कुछ लोग आपसे जल सकते हैं, इस बात का ख्याल आपको रखना है। पैतृक संपत्ति को लेकर आपके और आपके भाई बहनों के बीच में कोई मामला विवाद का रूप धारण कर सकता है, तो इसको शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास करें। वैवाहिक जीवन सुचारू रूप से यदि आप चलाना चाहते हैं तो आप अपने पार्टनर पर बेवजह शक ना करें और उन्हें उचित समय दें ताकि आपके और उनके बीच में जो एक संबंध हो मधुर रूप से यथावत बना रहे। आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए हो सकता है कुछ लोगों को बैंकों से लोन भी लेना पड़ सकता है। हालांकि इस राशि के छात्रों को जो अच्छी पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते हैं, किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही उत्तम समय दिख रहा है और आपको परीक्षा में अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। कोई इंटरव्यू नौकरी अगर आप देना चाहते हैं तो अब देखो, नौकरी में जो नौकरी कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, बट इंटरव्यू में आपको सफलता मिल सकता है, तो यदि आप जॉब परिवर्तन सोच रहे हैं तो ये शायद आपके लिए उचित समय है। तो 70% यदि आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो 30% कुछ अच्छे उपयोगी योग भी बना रहे हैं। अब ऐसे में उपाय क्या करें, बृहस्पति देव का आपको पूजन करना चाहिए हर बृहस्पतिवार के दिन। कोशिश करें नाखून ना काटें, बाल ना काटें, सर्फ शैम्पू साबुन का यूज ना करें, अवॉइड करें तो ये आपके लिए बेहतर होगा। और केले के पौधे में हल्दी मिलाकर जल अर्पित करें। बृहस्पति देव का मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शह गुरुवे नमः, इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो यह आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव लाने वाला है। तो आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बात का आप अपना बहुमूल्य विचार कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर दें। और यदि आप नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना
और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।